देखो जी अपना हॉल दो रूम सेट नाल अटैच बाथरूम ओ जी कल्ले रहना कल्ले रहो बंदा मुंदा रखना बंदा मुंदा रख लियो शेर शुर करना शेर शुर कर लियो ओ जी एथे ता जट मंगनी पट ब्याह वाली गल है एक हाथ ते किराया दो ते दूजे हाथ ते चाबी बोल पानी 24/7 है जी ना कोई मकान मालिक ना कोई डिस्टरबेंस फुल फ्रीडम है जी एंड एनी दिक्कत टोनी ब्रदर ऑलवेज अवेलेबल कोई जी फ्लैट तो अच्छा है लेकिन ये थोड़ा आउट ऑफ बजट जाएगा और एक और प्रॉब्लम है मैं शेयर नहीं कर सकती तो अगर कोई और फ्लैट हो जो फर्निश्ड हो और ऐसी लोकेलिटी में हो छोटा सा कम बजट ओ जी नहीं जी नहीं नहीं जी मैडम नहीं हो पाएगा ओ जी थानू चाहिदा भी आज है नाले सिंगल फ्लैट होवे फुल फर्निश्ड होवे व्यू भी चाहिदा है फ्रीडम भी चाहिदी है मैडम केहो जी आ गल्ला करदे हो एनी डिमांड तो लड़के वाले दी नहीं होंदी कहीं तो बंदा एडजस्ट करदा है नहीं करदा छोड़ो मैडम लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा खाली करने में अच्छा तो कितना टाइम लगेगा 1-2 वीक ओनली जी आ जाओ दिखाता हूँ मैं आपको जेड़ा मुंडा फ्लैट च रहंदा सी मैं उदा व्याह फिक्स कराता है एक्चुअली मेरा पार्ट टाइम बिचौलिया का भी काम है क्या है जी आप जैसे लड़के लड़कियां या नौकरी करने आते हैं तो 1 BHK फ्लैट में रहते हैं मैं उन्हें मिला के उनकी शादी करा देता हूँ 3 BHK फ्लैट मेरे से ही ले लेते हैं आप भी खुश जी मैं भी खुश क्यों जी तो फिर मेरे लिए भी खड़का ढूंढ दोगे बिल्कुल ढूंढ देंगे जी क्यों नहीं ढूंढेंगे अगर मैं कहूँ कि मैं डाइवोर्स हूँ फिर दीक्षा जी टोनी प्रेजेंट पे दाव लगाता है पास्ट पे नहीं पास्ट चिक्की रखा सही बात है साहिल जी गाड़ी चो किनी टोनी ब्रदर यार हाँ टोनी जी आ जाओ इधर किचन में किचन आ जाओ मैडम अच्छा आ जाओ ओ साहिल ब्रदर नाइस टू मीट यू ओ जी पाजी तू सीधा नंगे नंगे खड़े हो शर्ट सूट पहने मैडम नु फ्लैट हो खड़ा है कौन मैडम ओ जी मैडम जी नहीं खड़ी है जी शर्ट सूट पहन ले तो सीधा कौन मैडम ओ सॉरी वेट साहिल हाय दीक्षा हाय हाय ओ जी तुसी जानते हो एक दूजे नु हेलो ओ जी मैडम आ रहे हैं जी आ रहे हैं यार पार्टी नु फ्लैट उखाड़ आया सी ओ नहीं तुसी उन्हां नु रोक के रखो मैं आंदा What? कुछ नहीं साल गिन रही थी 5 साल You look mature. हाँ तू भी काफी समझदार हो गया बर्तन धोने लगा yeah, of course. बर्तन धोने से आदमी समझदार हो जाता है अरे आई मीन समझ गया ना यार मजाक कर रहा था क्या कुछ नहीं बहुत सारे सवाल थे मन में सोच रहा था कहाँ से शुरू करूं ओके तो मैं हिंट दूं या श्योर अच्छा चल पूछ चाय या ठंडा सॉरी यार अब पता क्या लेगी चाय ठंडा कॉफी क्या एनीथिंग एल्स वेट इलायची वाली चाय
इलायची वाली चाय तू अभी भी पीता है? तूने आदत ही ऐसी डाली थी। तो मैं बनाऊं? श्योर। ओके चल। ठीक है तुम्हारे बीच? हाँ सब ठीक है। तू बता शादी कब कर रहा है? मैं शादी पता नहीं बॉस अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। लेंगे। क्यों कोई मिली नहीं पिछले 5 सालों में? कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं मिली। बेस्ट फ्रेंड्स मिलते नहीं है बनते हैं। उसमें टाइम लगता है मेहनत लगती है और दिमाग भी लगता है। पर इस इन्वेस्टमेंट की कोई रिटर्न नहीं है। रिश्तों में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए रिटर्न की। सेल्फलेस होना इम्पोर्टेंट है। और जब तो रिश्ते आसानी से खत्म कर देती है। ठीक है मार्ली टोन्स। आई नो तू भरा हुआ है अंदर से तो तुझे जो कहना है तू कह सकता है। क्या हुआ कुछ कहना है तुझे? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। टिश्यू प्लीज स्टे ना एक बार बात तो सुन ले। साहिल तो समझता क्यों नहीं है यार ये गलत है। तो समझा ना क्या नहीं है यार। देख तूने पिछली बार भी यही किया था। आई नो यू फकिंग लव मी एंड आई नो यू डू। जब देखो बहनचो बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड। अरे नहीं बनना मुझे बेस्ट फ्रेंड। देख तू मुझे समझती है मैं तुझे समझता हूँ। हमने साथ में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। मेरे घर वाले दोस्त सब तुझे जानते हैं फिर क्या दिक्कत है? क्यों छुपानी अपनी फीलिंग्स यार? उससे नहीं होता यार दिशु। हाँ तो तुझसे नहीं होता तो क्या? तू अपनी फीलिंग्स मुझ पर थोप देगा? साहिल मैं तुझे हजार बार बोल चुकी हूँ कि मेरे दिल में तेरे लिए वैसी कोई फीलिंग्स है ही नहीं। यार तो तूने हजार बार ये भी तो बोला है कि जब तू मेरे साथ होती है तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। यार दिशु तू क्यों दबा देती है हर बार अपनी फीलिंग्स यार? देख साहिल मैं तुझे हजार बार बोल चुकी हूँ कि मेरे दिल में तेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी। जब कोई फीलिंग्स थी नहीं जब कुछ था ही नहीं हमारे बीच में तो क्यों घूमती थी मेरे साथ? तेरे को आइडिया भी है मैं कितना परेशान था? हमेशा लगता था कि आज टेक्स्ट करेगी आज टेक्स्ट करेगी। अरे आज तो बर्थडे आज तो पक्का टेक्स्ट करेगी। न टेक्स्ट न कॉल न मैसेज। अरे बेस्ट फ्रेंड के नाम पर ही कर देती। शादी करी तब भी नहीं बताया। तेरे दोस्तों ने पूछा है कॉल करके कि मैं ठीक हूं या नहीं। पर तुझे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा क्या कर दिया? इतनी सजा कौन देता है यार दिशु?
माना हमसे गलती हुई पर गलती की माफी भी तो होती है। रात रात भर होटल में स्टे करके दारू पी के व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन। तूने मुझे फोर्स किया था साहिल, फोर्स किया था तूने। आई नो मैंने भी पी रखी थी बट तू आउट ऑफ कंट्रोल था। आई नेवर वांटेड टू रुइन अ फ्रेंडशिप एंड आई स्वेयर मेरे दिल में तेरे लिए वैसी कोई फीलिंग्स नहीं थी साहिल। तू मुझे समझता था, तू जिस मेरे लिए सबसे ऊपर थी, सबसे बढ़कर थी, हमारा पागलपन एक तरह का। मैं खुश थी साहिल और इंटिमेसी उस चीज को छीन लेती है, उस खुशी को छीन लेती है। इंटिमेसी में एक भारीपन है साहिल, उसमें वादे हैं, बाउंड्रीज है, कमिटमेंट है। मुझसे नहीं सहन होती सारी चीजें, मुझसे नहीं सहन होती सारी बाउंड्रीज। मेरा दम घुटता है इनमें। I'm sorry. खोलना था, पापा को कैंसर हो गया, उन्होंने फोर्सफुली मेरी शादी करा दी, मैंने भी कर ली विद नो अदर ऑप्शन। पापा है यार, इतना तो कर ही सकती हो ना। लेकिन मेरी कभी मेरे हस्बैंड से बनी ही नहीं। दम घुटता था यार, ऐसा लगता था कि किसी पिंजरे में बंधी हुई। लास्ट ईयर पापा की डेथ हो गई, फिर मैंने डिवोर्स लेने की सोचा कि अब दिल्ली जाऊंगी, जॉब करूंगी, पहले ना अपने सारे सपने पूरे करूंगी। जी एक रूम सेट फुल फर्निश्ड और सब तो बढ़िया गल आज ही मिल जाऊगा। और ये मेनू कोई फर्क नहीं पैंदा, तनु ए फ्लैट चाहिए है ले लो। और जी साहिल ब्रदर का तो ब्याह होने वाला, वैसे भी एक दो हफ्ते भी चले जाना है उन्होंने, मैं तनु बताया सी। नहीं टोनी जी, वो जो आप दूसरा वाला फ्लैट बोल रहे थे ना, उसी को देख लेंगे एक बार। ठीक है जी, चलो जी, दूसरा फ्लैट दिखाना है तुम्हें।